हेलो गाइस वेलकम टू टेक्स कनेक्ट अ लर्निंग सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स सो आज हम एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे दैट इज़ जीएसएम कैलकुलेशन हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन जीएसएम सो ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है बट बहुत टाइम क्या होता है हम एडवांस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं बट बेसिक्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सो टुडे लेट अस क्लियर दिस कन्फ्यूजन एंड पूरा वीडियो देखिए सो दैट हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा जीएसएम कैलकुलेशन के रिगार्डिंग सो so, पहले तो देखते हैं व्हाट इज जीएसएम। बेसिकली जीएसएम एस इज ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर मतलब इट मेजर्स द वेट इन ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ द फैब्रिक इसे ज़रा क्लियर करते हैं तो ये एक डायग्राम दिया है समझिए ये एक फैब्रिक है जिसका डायमेंशन है वन मीटर इन लेंथ एंड वन मीटर इन विथ मतलब इसका एरिया हो जाएगा वन स्क्वायर मीटर अभी ऐसा सैंपल अगर मैं वेइंग मशीन पे रखूं एंड वे करूँ तो इसका जो वेट मुझे मिलेगा इन ग्राम्स वो इस फैब्रिक का जी एस एम बन जाएगा सो दिस इज़ नथिंग बट जी एस एम ऑफ दैट फैब्रिक द वेट ओपटेन इन ग्राम्स ऑफ वन स्क्वेयर मीटर ऑफ अ फैब्रिक सो जी एस एम खाली टेक्सटाइल्स के लिए ही नहीं बट पेपर्स के लिए भी यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है बट टूडे वील जस्ट फोकस ऑन टेक्सटाइल्स एंड पर्टिकुलरली वोवन फैब्रिक सो लेट सी हाउ टू कैलकुलेट दिस अभी हमें पता है कि वोवन फैब्रिक वार्प एंड वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से बनता है तो हम क्या करेंगे हम वेट ऑफ वार्प निकालेंगे वेट ऑफ वेफ्ट निकालेंगे इन वन स्क्वायर मीटर एंड दोनों को ऐड कर देंगे जिससे हमें जी मिल जाएगा तो अभी ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स लगेंगी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट इज ई दैट इज़ एंडस पर इंच अभी ये एंड्स पर इंच क्या है अगर मेरे पास वन इंच इंटू वन इंच दैट इज़ वन स्क्वायर इंच का अगर मेरे पास एक फैब्रिक सैम्पल है तो इसमें नंबर ऑफ वार्क कितने हैं एक इंच में दैट इज़ एंडस पर इंच एंड यही सैम्पल में वन स्क्वायर इंच के नंबर ऑफ वेफ्ट कितने हैं तो वो बन जाएगा मेरा पिक्स पर इंच अभी वार्क काउंट एंड वेफ्ट काउंट अगर आपने काउंट पर वीडियो देखा है हमारे टेक्स कनेक्ट की चैनल पर तो आपको पता ही होगा एंड वार्प क्रिम्प एंड वेफ क्रिम्प अब ये क्रिम्प फैक्टर कहाँ से आता है बेसिकली अगर मुझे एक मीटर का कपड़ा बनाना है तो मुझे वार्प एक मीटर का तो नहीं लगेगा उससे ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि इंटरलेसमेंट करते हैं हम एंड इंटरलेसमेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा वार्प एंड एक्स्ट्रा वेफ चला ही जाता है तो इसके लिए अगर मैं खाली वन मीटर कंसीडर करूँगा तो मेरे कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगे इसके लिए वी कंसिडर द वार्प क्रिम एंड वेफ क्रिम ऑल्सो

अभी इंचज़ है तो उसको हम इंटू थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन कर रहे हैं टू कन्वर्ट इट टू मीटर्स अभी वही हमने इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन थ्री सेवन कर दिया टू कन्वर्ट इट टू यार्ड्स एंड इन टू थाउजेंड वो आगे बताता हूँ क्यों किया अभी डिवाइडेड बाई एट फोर्टी इंटू टू पॉइंट टू जीरो इंटू वार्क काउंट अभी वार्क काउंट हमारा इंग्लिश काउंट है सो इंग्लिश काउंट का फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ हैंक ऑफ एट फोर्टी यार्ज वग इन वन पाउंड सो इसके लिए वो एट फोर्टी इधर आता है

सो so सिमिलरली हम लोग वेट ऑफ वेफ भी कैलकुलेट करेंगे ई के बदले पी आ जाएगा वार्क काउंट के बदले वेफ काउंट एंड वेफ क्रिम के बदले वार्प क्रीम के बदले वेफ क्रिम्प आ जाएगा एंड देन टू फाइन द जी हम जो वेट ऑफ वार्प हमें मिलेगा इन ग्राम्स पर वन मीटर प्लस वेट ऑफ वेफ मिलेगा इन ग्राम्स पर वन मीटर उसे cal, उसे हम ऐड कर देंगे तो हमें जी एस दैट इज ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ द फैब्रिक मिल जाएगा तो चलिए इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो हमें इधर कुछ डेटा दिया हुआ है एंड हमें फार्मूला तो पता है तो फार्मूला में लेट अस सब्सिट्यूट द वैल्यूज़ ई हमें 92 दिया है इंटू थर्टी हम करेंगे टू कन्वर्टेड टू मीटर्स इंटू वन हम करेंगे इंटू फॉर कन्वर्टिंग इंटू यार्ड्स इंटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट फोर्टी इंटू टू पॉइंट टू जीरो इंटू एटी एटी इज़ द इंग्लिश काउंट into 840 because बिकॉज नंबर ऑफ of ऑफ एट of and into एंड for converting into kgs or फॉर कन्वर्टिंग और हमने लिया था टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स into 1 प्लस 3 बाई 100 तो वो हो जाएगा 1.03 ये हो जाता है हमारा लेंथ ऑफ वार ओके सो अभी इसका जो हमें आंसर आता है दैट इज़ 27.59 सेवन ये 27.59 सेवन पॉइंट वेट ऑफ द इन मीटर ठीक है एक मीटर में ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव नाइन ग्राम्स यूज हुआ है सिमिलरली हम लोग वेट ऑफ वेफ भी कैलकुलेट करेंगे तो हम फॉर्मूला हमें पता है लेट अस सब्सिट्यूट द वैल्यूज पी के बदले वन जीरो फोर आ जाएगा इंटू थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन थ्री सेवन इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट फोर्टी इंटू टू पॉइंट टू जीरो इंटू एटी जो वेफ्ट काउंट दिया है इंटू वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो दिस इज़ वन पॉइंट ज़ीरो फाइव इसका हम इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू थर्टी वन पॉइंट एट ज़ीरो ग्राम्स मतलब वेट ऑफ वेफ्ट इन वन मीटर इज़ थर्टी वन पॉइंट एट जीरो सो अभी हमें स्क्वायर मीटर के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे हमारे पास वेट ऑफ वार्प है हमारे पास वेट ऑफ वेफ्ट है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव नाइन प्लस थर्टी वन पॉइंट एट जीरो विच गिव्स मी फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री नाइन ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर सो दिस वॉज़ इट बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है एंड रट्टा मत मारिए समझिए कि वो वैल्यूज़ क्यों वहाँ पे यूज़ की जाती है अगर आप समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे एंड सब कुछ एकदम टेक्निकल है सो so, और एक एग्जांपल है सॉल्व करते हैं कैसे किया जाता है कैलकुलेट जीएसएम कुछ डेटा दिया है वेट ऑफ़ फैब्रिक दिया है ट्वेंटी के लेंथ ऑफ फैब्रिक दिया है फोर्टी मीटर्स एंड विथ ऑफ फैब्रिक दिया है सिक्सटी फाइव इंचेज़ सो एक uh, मैंने एक स्केच बनाया है जिससे ईजी हो जाएगा समझने में सिक्सटी फाइव इंचज़ मुझे विथ दिए हैं फोर्टी मीटर्स मुझे लेंथ दिया है एंड ये फैब्रिक मेरा वे करता है ट्वेंटी के जीज सो ऐसे तो पहले क्या करते हैं सिक्सटी फाइव इंचज़ जो है ना उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं सिक्सटी फाइव इंचिज़ इंटू टू पॉइंट फाइव को किया तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा एंड उसके हम हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा मीटर्स में सो वन पॉइंट सिक्स फाइव मीटर्स होती है उसकी विथ अभी क्या करेंगे हम एरिया ऑफ फैब्रिक निकालेंगे तो फोर्टी मीटर्स है हमारे पास इंटू वन पॉइंट सिक्स फाइव मीटर्स किया तो सिक्सटी सिक्स क्वेर मीटर्स आ जाता है अभी ईजी हो रहा है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कि सिक्सटी सिक्स क्वे मीटर्स का मेरे पास फैब्रिक है वो वे करता है ट्वेंटी के जीज़ एंड ट्वेंटी के जीज़ को भी कन्वर्ट कर देंगे इंटू ग्राम्स में सो so हो जाता है ट्वेंटी थाउजेंड ग्राम्स सो अभी सिक्सटी सिक्स क्वेर मीटर्स का फैब्रिक है जो वे करता है ट्वेंटी थाउजेंड ग्राम्स तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है अगर वन स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा सो दैट विल बी ट्वेंटी थाउजेंड ग्राम्स डिवाइडेड बाई सिक्सटी सिक्स विच विल कम टू थ्री हंड्रेड एंड थ्री ग्राम्स सो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जी एस एम थोड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अगर है थोड़ा यूनिट समझता है कि कौन सा कैलकुलेशन क्यों आता है एंड ये ठीक से देखिए पूरा वीडियो तो आपको समझ जाएगा कि क्यों हमने कौन सी वैल्यू यूज़ की है सो दिस विज़ इट फ्रॉम माय साइड अगर आपको और ऐसा कॉन्टेंट चाहिए टेक्सटाइल रिलेटेड जिसमें आपको डाउट्स है तो प्लीज़ मैंशन इन द कॉमेंट्स बॉक्स कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए हम ट्राई करेंगे कि हम उस पर वीडियो बनाएं एंड लाइक कीजिए शेयर करिए सब टेक्सटाइल वाले लोगों के साथ कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू टेक्स कनेक्ट अलर्निंग सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो करिए थैंक यू